नमस्कार दोस्तों, मिस्थीरी अस्नूज में आपका स्वागत है। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के तीन प्रमुख संप्रदायों में से एक है। आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। कई देवियों की मान्यता है जो सभी एक ही देवी के विभिन्न रूप है। शाक्त मत के अंतर्गत भी कई परंपराएं मिलती हैं, जिसमें लक्ष्मी से लेकर भयावह काली तक हैं। देवी को दक्षिण में काली चंडी, उत्तर में शाकुंभरी देवी, पश्चिम में अंबाजी और पूर्व में काली रूप में पूजा जाता है। कुछ शाक्त संप्रदाय अपनी देवी का संबंध शिव या विष्णु से बताते हैं। हिंदुओं की श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बनाते हुए दिखते हैं। इसके अलावा शाक्त संप्रदाय के लोग देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण तथा शाक्त उपनिषदों जैसे देवी उपनिषद पर आस्था रखते हैं। शाक्त धर्म शक्ति की साधना का विज्ञान है। इसके मतावलंबी शाक्त धर्म को भी प्राचीन वैदिक धर्म के बराबर ही पुराना मानते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इस धर्म का विकास वैदिक धर्म के साथ ही साथ या सनातन धर्म में इसे समावेशित करने की जरूरत के साथ ही हुआ। यह हिंदू धर्म में पूजा का एक प्रमुख स्वरूप है, जिसे अब हिंदू धर्म कहा जाता है। उसे तीन अंतःप्रवाहित परस्पर व्यापी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। वैष्णववाद, भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद, भगवान शिव की पूजा, तथा शाक्तवाद, देवी के शक्ति रूप की उपासना। इस प्रकार शाक्तवाद दक्षिण एशिया में विभिन्न देवी परंपराओं को नामित करने वाला आम शब्द है, जिसका सामान्य केंद्र बिंदु देवियों की पूजा है। शक्ति की पूजा और शक्ति के अनुयायियों को अक्सर शाक्त कहा जाता है। शाक्त न केवल शक्ति की पूजा करते हैं, बल्कि उसके शक्ति आविर्भाव को मानव शरीर एवं जीवित ब्रह्मांड की शक्ति या ऊर्जा में संवर्धित, नियंत्रित एवं रूपांतरित करने का प्रयास भी करते हैं। विशेष रूप से माना जाता है कि शक्ति कुंडलिनी के रूप में मानव शरीर के उदा आधार तक स्थित होती है। जटिल ध्यान एवं यौन यौगिक अनुष्ठानों के जरिए यह कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। इस अवस्था में यह सूक्ष्म शरीर की सुषुम्ना से ऊपर की ओर उठती है। मार्ग में कई चक्रों को भेदती हुई यह तब तक ऊपर बढ़ती है जब तक सिर के शीर्ष में अंतिम चक्र में प्रवेश नहीं करती और वहां पर अपने स्वामी प्रियतम शिव के साथ हर्षोन्मादित होकर नहीं मिलती। भगवती एवं भगवान के पौराणिक संयोजन का अनुभव हर्षोन्मादी रहस्यात्मक समाधि के रूप में मनोदैहिक रूप से किया जाता है, जिसका विस्फोट परमानंद कहा जाता है कि कपाल क्षेत्र से उमड़कर हर्षोन्माद एवं गहनानंद की बाढ़ के रूप में नीचे की ओर पूरे शरीर में बहता है। हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय में भगवती काली और ललिता को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। यह पुराण मुख्य रूप से दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के तिलक, चंदन, हल्दी और केसर युक्त सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करके बनाया जाता है। वैष्णव गोलाकार बिंदी, शाक्त तिलक और शैव त्रिपुंड से अपना मस्तक सुशोभित करते हैं। धर्म ग्रंथ शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। उनमें से भी 51 और 52 शक्ति पीठों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी में दुर्गा सप्तशती भी है। इसके अलावा कालिका पुराण, शाक्त महाभागवत और 65 तंत्र प्रमुख है। दर्शन शाक्तों का यह मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, इसीलिए वे देवी को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वे पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।